हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। तो रात के बज गए 10 और कल है बच्चों की छुट्टी, तो बच्चों को रात को 10 बजे हो गई मीठा खाने की क्रेविंग। तो अब मैंने सोचा क्या बनाऊं उनके लिए। टेबल पर कुछ चीजें पड़ी देखी तो समझ आया कि मैं उनको इंस्टेंट वाले उन्नीअप्पम बना के खिला सकती हूँ। तो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए इंस्टेंट वाले उन्नीअप्पम और आपको भी दिखाती हूँ कि कैसे हम उन्नीअप्पम को इंस्टेंटली बना सकते हैं। अब मैं मिक्सर के जार में डाल रही हूँ हाफ फ्रेश कोकोनट, मैंने उसको पील कर लिया है। आधा कप मैं डाल रही हूँ गुड़, जिसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़े से मैंने डाल लिए हैं हरी इलायची के दाने और उसके बाद मैं डाल रही हूँ मैदा और मिल्क पाउडर इक्वल पोर्शन में ला के। फिर मैंने डाल लिए 2 अच्छे से पके हुए केले, उसके साथ ही आधा कप पानी डाल के इसे स्मूथ बैटर बना लेंगे। पानी कम ज्यादा कर सकते हैं अगर आपको लगे तो, लेकिन हमें बैटर एकदम स्मूथ चाहिए। बैटर को एक चुटकी बेकिंग सोडा डाल के 5-10 मिनट रेस्ट करने देंगे। अपने पैन को हम गरम कर लेंगे और साथ में उसमें थोड़ा थोड़ा घी डाल देंगे, और जैसे ही घी गर्म हो जाए जो बैटर हमने बनाया था वो डाल के हम उन्नीअप्पम बनाने रख देंगे। सारे मोल्ड्स में लेवल तक बैटर भरने के बाद हम उसको ढक करके पकने रख देंगे। और उन्नीअप्पम को पकाना हमें लो फ्लेम में ही है, चेक कर लेंगे। अगर एक साइड से पक गए हैं तो उनको फ्लिप करके दूसरी साइड से पका लेंगे। बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, एकदम से बन जाएंगे, पलट के भी हमें 2-4 मिनट ही पकाना पड़ेगा। पक गए हैं या नहीं ये अगर समझ ना आए तो टूथपिक डाल के या एकदम चाकू की टिप डाल के आप चेक कर लेना। अगर वो क्लीन वापस आ जाए तो मतलब पक गए हैं, क्लीन वापस नहीं आए तो थोड़ा और पका लेंगे। पैन में फिर से घी डाला, फिर से बैटर डाला और फिर से ढक करके दोनों तरफ पका लेंगे। तो ऐसे हमारे उन्नीअप्पम रेडी होते जाएंगे। देखा कितनी जल्दी जल्दी होता जा रहा है। तो 15-20 मिनट में मैंने इतने सारे उन्नीअप्पम बना करके बच्चों को खिला दिए। और पता है मैं इसका बाद में फोटोशूट ही नहीं कर पाई क्योंकि उन्नीअप्पम बनते जा रहे थे और बच्चे खाते जा रहे थे और सबको पसंद भी इतने आए हैं इंस्टेंट वाले उन्नीअप्पम की। अभी तो रोजी कहता है कि मम्मा वही वाली स्वीट बॉल्स बनाओ ना फिर से। तो आप भी जरूर ट्राई करके देखिए इंस्टेंट उन्नीअप्पम की रेसिपी और मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। और हमारे इस वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।